हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गद्य पाठ फर्स्ट पोर्शन फोर्थ चैप्टर। एक कहानी है अभी, मनु भंडारी। सो इस ऑटोबायोग्राफी इज लाइक मनु भंडारी की अपनी खुद की कहानी, ओन स्टोरी। सो इस दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन एवरी ईयर दिस चैप्टर विल कम इन लॉन्ग आंसर, वन वर्ड आंसर, एक्सप्लेनेशन, संदर्भ व्याख्या एवरीवेयर। दिस जस्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बट ईजी चैप्टर, नथिंग इज देयर। सो मनु भंडारी शी इज अ राइटर, और इन्होंने अपनी खुद की कहानी लिखी है, अपने फैमिली की स्टोरी लिखी है। और जो मनु भंडारी जो है उस समय, मतलब शी वॉज अ वेरी बोल्ड राइटर, और उस समय शी इज वेरी बोल्ड लेडी। तो उस समय आज से 30-40 साल पहले, 30-40 नहीं ज़्यादा ही साल है, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स बिफोर, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, 70 or 60 ईयर्स बिफोर, शी वॉज वेरी बोल्ड लेडी मनु भंडारी। तो उस समय पीपल आर वेरी ऑर्थोडॉक्स, सो दे वर नॉट अलाउड टू सेंड गर्ल्स फॉर कॉलेज स्कूल्स लाइक दैट, दे वर नॉट गिविंग एजुकेशन दैट। मनु भंडारी शी फाइटेड विथ हिज फादर एंड शी मेड हर ओन डेस्टिनेशन, शी मीन्स अपनी किस्मत उन्होंने खुद बनाई। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह एक कहानी यह भी। सो इस मनु भंडारी स्टोरी द राइटर इज ओनली मनु भंडारी ओनली। सो मनु भंडारी शी इज़ अ ग्रेट राइटर, उन्होंने हिंदी की बहुत बड़ी लेखिका थी। मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच्छत्र शंकु, मेरी प्रिय कहानियाँ, तीन निगाहों की एक तस्वीर। सो ये सब उनकी खुद स्टोरी है। एक कहानी यह भी आत्मकथा कथा में अपने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके आपके व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन एवं सहेलियों के साथ खेल कूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, और 1946-47 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका संबंधित घटनाओं को मनु भंडारी जी ने इस आत्मकथा में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। व्यक्तित्व निर्माण में परिवार के सदस्यों एवं गुरुजनों की अहम भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से यह आत्मकथा का चयन किया गया है। सो मेनली व्हाट शी रोट इन दिस वन, अबाउट हर फादर, अबाउट देयर फैमिली, अबाउट देयर हर नेबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, शी रोट अबाउट देम कि हाउ दे मीन्स इन हर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हाउ मच इम्पॉर्टेंट रोल दे पीपल प्लेड लाइक दैट शी रोट। सो वाई दे गिवन दिस चैप्टर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वॉट वॉट एलिमेंट्स हेल्प यू, वॉट वॉट एलिमेंट्स गिव हेल्प यू फॉर अ मेकिंग अ पर्सनैलिटी। सो बेसिकली दैट इज एन शी रोट दिस। तो इन 1947 वेन इंडिया गॉट फ्रीडम, दैट टाइम ओनली शी वॉज ऑल्सो इन दिस, नॉट सो मच इन्वॉल्व बट लिटिल बिट शी ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस फ्रीडम फाइटर, विद दिस फ्रीडम फाइटिंग मनु भंडारी। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू शुड बी लिसन केयरफुल दिस चैप्टर। एवरी ईयर दिस चैप्टर विल इज कमिंग इन क्वेश्चन आंसर, वर्ड आंसर एंड संदर्भ व्याख्या। सो जन्मी तो मध्य प्रदेश की भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर की ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस दो मंजिला मकान में जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। तो दिस इज हर ओन स्टोरी, दैट इज अ लिटिल बिट वर्ड्स आर डिफरेंट बट डिफिकल्ट, बट चैप्टर इज वेरी इजी, जस्ट अ स्टोरी अबाउट दैट गर्ल। सो वेयर शी बॉर्न, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में। सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर विच विल कम, मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, एमपी के भानपुरा गांव में, लेकिन उनको कहाँ से शुरू है रिमेम्बर, अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। वेयर शी वॉज लिविंग इन अजमेर, ब्रह्मपुरी स्ट्रीट शी वॉज स्टेइंग इन टू फ्लोर हाउस, फर्स्ट फ्लोर देयर स्टेइंग एंड सेकेंड फ्लोर अपर फ्लोर हु स्टेइंग हिज फादर इज स्टेइंग, एंड निहायत अव्यवस्थित ढंग से मैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो वो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते थे। तो हाउ ही वॉज लिविंग हिज फादर, विच मीन्स फुल्ली एवरीवेयर बुक एंड एवरीथिंग, मीन्स इट नॉट सिस्टमेटिक, हिज रूम वॉज नॉट सिस्टमेटिक, ऑलवेज ही वॉज डूइंग सम स्टडी,
सम मैगजीन्स, अदरवाइज ही वॉज गिविंग डिक्टेशन। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। देन डाउन फ्लोर हु वॉज स्टेइंग, शी इज स्टेइंग विद ब्रदर सिस्टर्स एंड हर मदर। हाउ इज हर मदर, बेपढ़ी लिखी मीन्स शी वॉज अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट लेडी एंड व्यक्तित्व विहीन मीन्स शी डोंट हैव पर्सनैलिटी, एनी पर्सनैलिटी। हर मदर, शी डोंट हैव एनी पर्सनैलिटी, दैट इज एंड शी डोंट लाइक हर मदर। सो मॉर्निंग टू इवनिंग शी इज डूइंग देयर वर्क ओनली, शी डोंट हैव वॉइस, हु आर गिविंग वट एवर ऑर्डर, ऑलवेज शी वॉज रेडी 24 आवर हर मदर। दैट बट मनु भंडारी शी इज अ डिफरेंट, शी डोंट लाइक दिस कैरेक्टर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था और नाम था। तो वेयर अर्लियर एक बेसिकली मनु भंडारी शी इज फ्रॉम एमपी, तो इंदौर ऑल्सो इन एमपी, तो वे इन एमपी भानपुरा ऑल्सो देयर एंड इंदौर ऑल्सो। सो वे आर बिफोर अजमेर, वेयर दे वेयर इन इंदौर। सो देयर हिज फादर हैव गुड रेपुटेशन, नेम, रिस्पेक्ट। कांग्रेस के साथ साथ समाज के सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। तो ही वॉज लाइक पॉलिटिशियन एंड सोशल वर्कर। शिक्षा के केवल वे उपदेश ही नहीं देते थे बल्कि उन दिनों 8-10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया, जिनमें से कई तो ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे। उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। सो ही शी वॉज टेलिंग अबाउट हिज फादर। सो बिगिनिंग वेयर दे स्टार्टेड, दे वेर इन इंदौर, और वहाँ पे बहुत उनका नाम सम्मान था। ही वॉज अ कांग्रेस, ही वॉज अ पॉलिटिशियन एंड सोशल वर्कर एंड ही वॉज गिविंग मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशन। सो अर्लियर ही वॉज गिविंग अ ट्यूशन फ्री, मीन्स ही वॉज नॉट टेकिंग मनी। सो में 9-10 स्टूडेंट लाइक दैट ही वॉज गिविंग एजुकेशन एंड सम स्टूडेंट गॉट गुड पोजिशन ऑल्सो। तो दैट टाइम दे वेयर वेरी हैप्पी, दे आर हैप्पी लाइफ, हैप्पी डेज दैट टाइम। और उनकी दरिया दिली मतलब बिग हार्ट, जिसका दिल दरिया मतलब होता है लेक, हाउ इज लेक एंड पॉन्ड इज वेरी बिग, तो हिज हार्ट इज वेरी बिग। ही वॉज नॉट टेकिंग मनी फॉर ट्यूशन ऑल्सो, सो एवरी वन लाइक हिम। सो एक ओर वे बेहद कोमल एंड संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। दैट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बैक साइड इट इज इन क्वेश्चन आंसर अबाउट हर फादर एंड ससंदर व्याख्या इट इज देयर। ही कैसे थे उनके फादर, ही हैव डुअल पर्सनैलिटी। फर्स्ट ही इज वेरी सेंसिटिव एंड सॉफ्ट, बट ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इगोइस्टिक। सो हिज फादर इज हैव लाइक दिस कैरेक्टर। एंड हाउ इज हिज मदर, हिज मदर इज वेरी मीन्स इलिटरेट, शी डोंट हैव एनी पर्सनैलिटी, शी डोंट हैव वॉइस। सो सी डिफरेंस इन बिटवीन हर फादर एंड हर मदर, ही हाउ इज हर मदर एंड हाउ इज हर फादर। यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब इन गुणों के भग्नावेश को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अनुसार अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह पहला और अकेला शब्दकोश था। सो व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम दे शिफ्टेड इन अजमेर। व्हाई दे शिफ्टेड इन अजमेर, बिकॉज ऑफ सम मनी प्रॉब्लम, आर्थिक झटका मतलब सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो फर्स्ट शी बॉर्न इन अजमेर एंड शी वॉज इन इंदौर, तो दे आर वेरी हैप्पी इन इंदौर, इन बोथ सिटीज इन एमपी मध्य प्रदेश सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देन देश बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सम पैसे की जो कमी, आर्थिक झटका मतलब पैसे की कमी से क्या हुआ, वो कहाँ शिफ्ट हो गए, अजमेर। सो उन्होंने यहाँ आके सबसे पहले क्या किया, व्हाट ही मेड डिक्शनरी इंग्लिश टू हिंदी, ही मेड इट वॉज वेरी गुड शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। इससे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी पर अर्थ नहीं दिया, शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सो व्हाट हैपन, ही गॉट सो मच रिस्पेक्ट बट ही डिडंट गेट
meaning. He didn't get meaningful life because his mental, because of financial problem, all his good part of his personality destroyed. सकारात्मक मतलब क्या होता है? गुड पार्ट. नकारात्मक इस अपोजिट सकारात्मक का उल्टा क्या होता है? नकारात्मक निगेटिव पॉइंट. तो वट एवर ही हैव गुड पर्सनैलिटी ही हैव लाइक हा वेरी सॉफ्ट एंड दिस सेंसिटिव बट बिकॉज ऑफ दिस मनी प्रॉब्लम ही बिकेम लाइक वेरी मीन्स ही इज ऑल दिस गुड थिंग्स गॉन. सो क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बट ही डिडंट गेट मनी. सिक्योरिटी आर्थिक स्थिति के कारण अधिक विस्पारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वह कम से कम अपने बच्चों को तो आर्थिक विशेषताओं का भागीदारी बनाए. बट वॉट इज द प्रॉब्लम? दिस मच बैड कंडीशन ही दिस मच ईगो ही हैव ही नेवर टोल्ड हिज दिस चिल्ड्रन लाइक दिस एंड ही नेवर फोर्स हिज चिल्ड्रन टू इन्वॉल्व इन दिस फाइनेंशियली प्रॉब्लम. दिस मच ईगो ही हैव ही वॉज थिंकिंग ही विल मैनेज एवरीथिंग. मतलब कभी उन्होंने अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए भागीदार नहीं बनाया कि तुम भी जाओ और काम करो. नवाबी आदतें